ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे कैमूर की, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जा रहा है घर घर दस्तक अभियान। साथ ही बात होगी मैनपुरी की, जहां आयोजित हुई रामलीला। और अंत में बात होगी सीहोर की, जहां लगातार अवैध रेत उत्खनन है जारी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर कैमूर जिले से, जहां बक्सर लोकसभा के नुआव मंडल में हर घर दस्तक अभियान के तहत आज पंजराव पंचायत के पंजराव मां भगवती मंदिर पर जिला पार्टी के महामंत्री राजीव श्रीवास्तव, जिला पार्टी उपाध्यक्ष बबलू राय, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नमो नारायण चतुर्वेदी, रामगढ़ विधानसभा के संयोजक कृपाशंकर चौबे, नुआव प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह, उप प्रमुख ऋषिकांत पांडे, नुआव भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष राम राय, बीडीसी प्रतिनिधि विकास गुप्ता आदि के द्वारा घर घर जाकर मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। जैसे उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां बेवर में चल रहा है 11 कुंडे यज्ञ और भागवत आचार्य मनोज अवस्थी के द्वारा रामकथा और रात में रामलीला का आयोजन किया गया। बताते चले कि विगत कई वर्षों से रामकथा रामलीला यज्ञ आदि का आयोजन विदुर जी के आश्रम में किया जा रहा है, लेकिन इस बार शासन द्वारा सौंदर्यीकरण के कारण ये प्रोग्राम रामलीला मैदान बेवर में किया जा रहा है। इस पूरे प्रोग्राम की कवरेज देखिए। गुरुदेव जिस समय यज्ञशाला यज्ञ हो रहा है, यहाँ पर भागवत हो रही है, रासलीला भी हो रही है, रामलीला। तो किसके उपलक्ष्य में, कैसे, क्यों? हमारे परम गुरु जी गुरुदेव जी और श्री श्री 1008 श्री विभूषण गिरी जी महाराज जी, जो विदुर आश्रम के सबसे पहले महंत थे, हाँ हाँ, तो उन्होंने अपना शरीर पूरा किया है जी, ब्रह्मलीन जी, 16 मई जी, 20 मई सन 2016 और उस दिन बैसाखी पूर्णिमा थी, तो ये सार्वजनिक तौर से ये तय हुआ था कि हम लोग 20 मई को ये कार्यक्रम मनाया था उनकी पुण्य स्मृति, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग उनकी पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम मनाते हैं, जिसमें इस वर्ष जो है, क्योंकि ये वर्ष पूरा राम में था, तो हमारे मन में ये भावना आई थी कि भागवत तो हर वर्ष होती है, तो इस वर्ष हम जो है नगर पाल निवासियों को जो है श्री राम कथा सुनवा रहे हैं, तो श्री राम कथा और श्री राम महायज्ञ 11 कुंडी और श्री राम लीला का मंचन अवध के कलाकारों द्वारा 29 तारीख, क्योंकि भगवती का स्थान है, माँ ज्वाला जी का स्थान है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव माँ ज्वाला जी के भक्त थे, तो उनकी ही स्मृति में हम लोग जागरण रखते हैं दुर्गा। अच्छा, एक गुरुदेव आम बात चल रही है, जैसे रसूलाबाद जो विदुर जी का आश्रम है जी, पब्लिक में ऐसा सुनने में आ रहा सूत्र द्वारा कि वहाँ पहले ही सारे प्रोग्राम होते थे, ऐसा क्या कारण रहा जो प्रोग्राम आपको रामलीला ग्राउंड में करना? देखिए, ये सबसे मुख्य कारण तो इसमें ये रहा कि जो भी ईश्वर की इच्छा होती है, गुरुदेव की जो इच्छा होती है जी, आप समझिए नीम करोड़ी बाबा की समाधि है वृंदावन जी, जगह जगह उनके नाम से भंडारे हुए, ठीक है, तो महापुरुषों की जहाँ इच्छा होती है, जिन भक्तों के बीच में उनकी इच्छा होती है, वहाँ ये कार्य होता है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। और इस वर्ष जो ये कारण हुआ, तो हमारे आश्रम का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है सरकार द्वारा, पर्यटन विभाग द्वारा 1,80,00,000 रुपये निर्धारित किया गया, तो उसकी सौंदर्यीकरण के कार्यों की वजह से और गुरुदेव की इच्छा हुई कि हम ये कार्यक्रम बेवर में रखें, तो वहाँ जगह नहीं थी, थोड़ा जगह का अभाव था, और यहाँ हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया, हम अपनी बात समाज के सामने। ये यूपी उत्तर प्रदेश का नंबर एक चैनल है, हिंदी चैनल जी, अपने दर्शकों को जो यहाँ भक्तगण आते हैं उनको लिखा सत सत संदेश देना चाहेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि भगवान की कथाएं आप सुनते हैं, उनके ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो भगवान के पदचिन्हों पर भी चलें, उनके अंश को अपने जीवन में सम्मिलित करें और सुख और शांति की प्राप्ति करें, समाज के उनका कल्याण करें, समाज में जो भी विकृतियाँ फैली हुई हैं, बहिष्कृत लोग हैं, अवांछित लोग हैं, उनकी सेवा करें। भगवान ने सभी को
शरण भी सभी की जो है सेवा की सभी का अपने हृदय से लगाया, हम भी पूरे समाज को एकजुट होकर के उनकी सेवा करें, अपने हृदय से लगाएं, प्रेम का संदेश दें जैसा भगवान ने दिया, यही हमारी आकांक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने टाइम दिया, धन्यवाद। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। पन्ना जिले के रायपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस को डायल 100 से एक कॉल आई कि 19 तारीख की दरमियान रात ग्राम बिलपुरा मोड पर एक व्यक्ति का शव पड़ा है। शव पर कुछ चोट के निशान भी हैं। तुरंत ही रायपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर तुरंत ही अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया। पीएम की शॉर्ट लिस्टेड में पता चला कि ये मामला हत्या का है। पुलिस को पता चला कि बिलपुरा निवासी बाबू गोड़ की लाश है। मामले में पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। मुखबिर तंत्र से जानकारी प्राप्त हुई, कुछ दिन पहले मृतक की पत्नी को उसके जीजा ने एक मोबाइल दिया जिससे वो अपने बात करती है। इसी को लेकर पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं। ऐसे में पत्नी ने अपने जीजा के साथ मिलकर एक योजना बनाई और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस पूछताछ में पता चला कि मृतक की पत्नी का अपने जीजा से अवैध प्रेम संबंध था और यही प्रेम संबंध हत्या का कारण बना। पुलिस ने आरोपी जीजा और मृतक की पत्नी लक्ष्मी गौड़ को हिरासत में ले लिया है। धारा 302 के मामले के तहत गिरफ्तार करके पुलिस ने खुलासा किया है और आज उसे जेल भेज दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में SP पन्ना साई कृष्ण एस थोटा का क्या कुछ कहना है। 18-19 मई की दरमियानी रात रायपुरा मोहंद्रा रोड पर सूचना मिली थी कि एक मृत अवस्था घायल अवस्था में एक व्यक्ति है, उसको 108 के माध्यम से पहुंचाया गया अस्पताल जहां पे वो मृत घोषित था। उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया थाना प्रभारी रायपुरा के द्वारा। इसमें ये तथ्य निकल के आए कि जो मृतक है उसकी जो पत्नी है उसका अपने जीजा के साथ, सगे जीजा के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जीजा ने उसको एक फ़ोन भी दे रखा था और वो जो है उसके पति के संज्ञान में आ चुका था। तो इसके चलते जो जीजा है उसने इस व्यक्ति को मारने का जो है षड्यंत्र रचा और खेत से उसको घर लाते समय रास्ते में एक सुनसान जगह पर मोटरसाइकिल से उतार कर पत्थर से सर फोड़ कर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात जो उसकी पत्नी है उसको भी बताया गया, लेकिन उसने भी ये जो घटना है वो पुलिस से छुपाई। तो इसमें दो आरोपी बने, एक जो हत्यारा है जो जीजा है वो, और उसके बाद उसकी जो पत्नी है वो, साक्ष्य छुपाने के लिए। तो इस तरीके से दो आरोपियों को बनाकर रायपुरा पुलिस ने आई थिंक विद इन 24 आवर्स जो है इसका खुलासा किया और आरोपियों को अरेस्ट करके जेल दाखिल किया गया। पुलिस इसको कितनी सफलता मानती है और क्या इनाम दिया जा रहा है? इसमें इनाम जो है 10,000 का इनाम मेरे तरफ से दिया जा रहा है टीम को, और ये बहुत ही अच्छी सफलता है क्योंकि लेट नाइट बिल्कुल 2-3 बजे का घटना थी और इसमें कोई CCTV फुटेज कुछ भी मौजूद नहीं था। ये पूर्ण तरह इन्होंने अपने खुद के सूझबूझ से और एकदम ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन से जो है इसका खुलासा किया। माने कि एक महिला ने प्रेम को पाने के लिए अपने पति की हत्या कर दी या करा दी? हाँ, जीजा ने और उसके जीजा ने और उस महिला ने मिलकर, आप कह सकते हैं। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां लोकसभा 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर रोहतास जिले के करगहर में पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार के लोगों के विकास में हमारा योगदान है, लेकिन विपक्ष हमारे कार्य का श्रेय ले रहा है। बताते चले कि सासाराम लोकसभा से NDA प्रत्याशी के रूप में इस बार शिवेश राम को टिकट मिला है, लिहाजा स्थानीय जगजीवन स्टेडियम में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम पहले दो बार इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। विपक्ष के लोग संविधान बदलने का भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसियों ने सबसे ज्यादा सैकड़ों बार संविधान से छेड़छाड़ की है, जबकि NDA ने संविधान को मजबूत करने का काम किया है। पहले बाबा साहब के ताली चित्र तक नहीं लगे रहते थे, लेकिन अब हम लोगों ने उचित सम्मान दिया। उन्होंने रजत पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा भी यही लोग करवाते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में सीएम नीतीश कुमार ने आगे क्या कुछ कहा। भी बहुत कमी थी, तो ये सब काम तो हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी पूरा काम करवा दिए। आप जो है गरीबी के कारण लड़कियां बेचारी पढ़ नहीं पाती थी आगे 5वीं के बाद, तो हम लोगों ने जब सब साफ किया तो लड़का हो लड़की हो सबके पढ़ने का पूरा इंतजाम किया। आप कितना ज्यादा हम स्कूल चलवाए, कितना ज्यादा शिक्षा का इंतजाम करवाया, सब तरह से हम लोगों ने काम करा दिया। और आप जानते हैं कि अब लड़के लड़कियों के लिए हम लोगों ने पोशाक योजना चलाई और लड़कियों के लिए हमने साइकिल योजना चलाई,
अब बाद में लड़कों ने भी मांग किया था उसके लिए साइकिल योजना, तो कोई साइकिल चलाती थी जी। तो हम जब साइकिल योजना लड़कियों को दिया तो कितना ज्यादा सब घूमने लगे, और लड़कियां जो है अपने माता पिता को भी लेकर के कहीं बाजार चले जाते थे, तो ये सब कितना फायदा हुआ था। याद रखिए पुराना सब चीज, आप लोग तो सबके लिए न किए थे जी, हर लोगों के लिए न काम किए थे। आज जो कोई काम नहीं किया अब वो इधर उधर जाने की बात करता है, तो एक एक तरह से हम लोगों ने पूरे तरह से सब तरह से काम किया, हर प्रकार से पूरे तरफ से काम किया। अब उसके बाद आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोला है, और आप जानते हैं कि लड़कियां इंटर पास करती है तो हम 25,000 रुपया राज्य सरकार की तरफ से उसको देते हैं, और स्नातक पास करती है तो 50,000 रुपया देते हैं। तो कौन काम नहीं हो रहा, अब आप समझ रहे हैं कि क्या हाल भी था। प्रजनन दर का भी क्या हाल था, उस समय तो हम घूमते थे और देखते थे कि सब जगह सब बहुत काम, तो यहां पर हम लोगों ने सब काम किया। अब आपको कितना सुझाव दिया, 2005 में प्रजनन दर क्या था, 4.3, लेकिन अब हम लोगों ने जो सबको पढ़ाना शुरू किया तो एक साल पहले प्रजनन दर हो गया 2.9, और फिर जांच हो रहा और ज्यादा। तो हम लोग तो एक एक तरह से काम कर दिए, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो सब काम हो गया जो आपको बता दिए, तो एक एक तरह से सब तरह से काम, सड़क पुल पुलियों का निर्माण कितना करवाया, हर तरह से एक एक काम हम लोगों ने करवाया। और उसके अलावे तो हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, उसको भी हमने खत्म कर दिया। अब वोट दे या न दे, अब जिसको देंगे वोटवा जो गड़बड़ किया है तब फिर से ना उनका गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग मिल करके काम किए हैं तो इसको भूले नहीं, सारा काम हम लोगों ने किया, इसलिए जान की कह रहे। अब मदरसों को कोई मान्यता दिया था जी, है अब वोटवा देगा, हम मदरसा को तो हम ही भाजपा एक साथ थे ना, तो बाकी मदरसा लोगों को तो हम लोग दे न दिए, उसमें पढ़ाता था उसको जो सरकार में देते थे शिक्षकों को वही उसको हम लोगों ने वेतन देना शुरू किया। इसको भुला जाइएगा, आ कितना होता था, कब्रिस्तान की घेराबंदी कितना करवाए, कहीं जाते थे या झगड़ा होता था, हम लोगों ने 19 लोगों से लेकर के 6 में 7 में हम लोगों ने बात करके जो शुरू करा दिया, बताइए हम ही लोग न थे, तो उसमें कितना हो गया उनका, 8,000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी वो जितना बताए थे, और उसके बाद 1,000 का और पता चला है उसको भी करवा रहे हैं। तो हम लोग एक एक तरह से सब काम कर दिए, तो कौन सा काम नहीं हुआ। और आप समझ रहे हैं कि हम लोगों ने तो कोई काम छोड़ा है, आप जरा सा याद कर लीजिए अब जो है। रोहतास बिहार से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जहां बुधनी विधानसभा में उत्खनन लगातार जारी है। खनन माफियाओं ने मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में एक के बाद एक खनन माफियाओं के हौसले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बता दें कि इसका अंदाजा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र में मशीनों से अवैध खनन लगातार कर रहे हैं। ओवरलोड गाड़ियां दादागिरी से निकाल कर ले जाते हैं, वहीं खनिज अधिकारी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। आखिर किसकी शय पर खनन माफिया ये दादागिरी कर रहे हैं, इसका कोई पता नहीं है। और लगातार ओवरलोड थाना चौकिया से फर्राटे मारते हुए गुजरते हैं ओवरलोड गाड़ियां, जिन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। ये खनन हो रहा है आमाबाड़ गांव से लेकर छिपानेर घाट तक रेत की भारी मात्रा में संचालित किया जा रहा है। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। इस विषय में जानकारी देने के लिए वाइट SDM मदन सिंह रघुवंशी जुड़े हमारे साथ। इन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, नर्मदा मैया में लगातार मशीनों से उत्खनन किया जा रहा है सर, या इसको रोकने के लिए कोई शासन प्रशासन नहीं पकड़ता है क्या सर? कोई कार्रवाई के नाम से क्यों हट जाते पीछे सर? हमारे उत्खनन के संबंध में हम बीच बीच में कार्रवाई करते रहते हैं जी। अभी आपके माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई है, फिर आज शाम को जाके अगर कोई अवैध खनन हो रहा होगा तो उसको जरूर पकड़ेंगे, और मानी को भी इसकी खबर करेंगे। मानी की अभी टीम है जी।
ये देखा जाता है सर, ओवरलोड ट्रक थाने चौकियों के सामने से फर्राटे मारते हुए निकलते हैं और तेज़ रफ्तार से निकलते हैं सर, तो इसी में कुछ लोगों की जान को खतरा मंडराता रहता है सर। तेज रफ्तार से अगर जनपद निकलते हैं तो संबंध में हम आरटीओ और पुलिस को लिखेंगे कि इनकी गति पर नियंत्रण रखें ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना होने की तो ओवरलोड जाते हैं तो उस पर भी लगे। हाँ सर, देखा जा सकता है कि देखो नर्मदा मैया धीरे धीरे धरती में समाती जा रही है, वहाँ पे रहने वाले लोग जो है पानी के लिए तरस जाएंगे और कभी भी कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है क्योंकि गहरा गड्ढा हो जाता है मशीनों से, तो उसके इस विषय में क्या कहेंगे सर? जरूर इसको क्या खनन माफियाओं को सर क्या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या सर? जी नहीं, कोई किसी का संरक्षण नहीं। हाँ, क्योंकि देखा जाता है क्योंकि वो खनन माफिया बेखौफ होकर खनन करते हैं, दिन दहाड़े 12 बजे दिन के पनडुब्बी मशीनों से उत्खनन करते हैं और ट्रक ओवरलोड लेकर जाएगा। ऐसा नहीं है, जानकारी हमको नहीं है, हम तो बीच बीच में जाते रहते हैं, हमारे बिजनेस अधिकारी भी जाते हैं, ऐसा हमें नहीं मिला, कभी मिलेगा तो सर पर सर इन पर कब तक शिकंजा कस लेंगे सर? हम जाएंगे, लंबा एरिया है, 10-12-13 गाँव है हमारे उसमें जी। सीहोर से सीनियर संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।